हेलो दोस्तों, मेरी एक नई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल के चीले की रेसिपी। आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप छिलके वाली मूंग दाल ली है। आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हो। इसको अच्छे से धो लेना है और 3 घंटे के लिए भिगो लेना है। मैंने पहले से ही दाल को भिगो कर रखा था, जैसे आप देख सकते हो कि इसका दाना अच्छे से बिना प्रेशर के भी टूट रहा है। अब इस दाल का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद में ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। मैं इसके साथ यहाँ अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा होगा लगभग। इसके साथ 5 से 6 हरी मिर्च यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ज़्यादा ले ली है। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहे कि दाल को अच्छे से ही पीस लेना है, इसमें कोई भी दाना ना रहे। जैसे कि देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको फाइन बना लिया है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसके साथ मसाले ऐड कर देने हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही 1 पिंच हींग ऐड कर रही हूँ। उसके साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना है। अब इन सारे मसालों को पेस्ट के साथ अच्छे से मिला देना है। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद में इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के छोड़ देना है। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटी हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया था। इसके साथ हरा धनिया पत्ता, 1 बड़ी साइज़ का प्याज, 2 शिमला मिर्च और मैंने 2 टमाटर को बारीक कट कर लिया था। इसके साथ मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम पनीर ली है। आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। गैस फ्लेम ऑन करने के बाद में यहाँ तवे को रख देना है। तवे पर हल्का सा टेम्परेचर होने पर ही इसमें मैं 2 चम्मच पेस्ट डाल के हल्के हाथ से फैला देना है। ध्यान रहे कि इस पेस्ट को बहुत ही हल्के हाथ से फैलाना है। अगर आप इस चीले के पेस्ट को अगर जल्दी जल्दी फैलाओगे तो ये चम्मच के साथ में ही चिपक करके निकलने लगेगा, तो इसको फैलाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। फैलाने के साथ ही इसका जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम है, लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। हाई फ्लेम पर ये अच्छे से नहीं फैलेगा। और जब इसका जो ऊपर का परत है वो हल्का सा सूखने लगे या ड्राई होने लगे तो इस पर यहाँ मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छे से लगा देना है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल भी ऐड कर सकते हो। सरसों का ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है। इसके बाद में जब ये नीचे से गोल्डन कलर का होने लगे तब इस पर जो अपने फिलिंग के लिए यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च जो तैयार किए थे उनको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद में जो मैंने पनीर लिया है उसको मैं यहाँ पर कद्दूकस करके ऐड कर रही हूँ। पनीर को कद्दूकस करने के बाद में यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, जैसे कि मैंने टेबल साल्ट यानी नॉर्मल नमक यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंग कर दिया है। उसके साथ ही चाट मसाला, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी ऐड कर दी है थोड़ी सी, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हमारा जो मूंग की दाल का चीला है वो बन करके रेडी है। जैसे देख सकते हो कितने अच्छे से बन करके तैयार हुआ है। इस चीले को आप चाहे तो सॉस के साथ, ग्रीन चिली सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें।